हाई क्लास 10th स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ सर्कल्स का एक्सरसाइज 10.2 करते हैं। देखो एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एमसीक्यू बेस्ड है। इसमें कहता है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। तो बेटा एक सर्कल बनाते हैं, से दिस पॉइंट इज क्यू, ठीक है, ये टेंजेंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच कर रही है, दिस इज सेंटर, दिस इज वॉट रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, लेंथ टेंजेंट की हमें दे दी 24 सेंटीमीटर। ओके, दिस पर्टिकुलर पॉइंट से इज से पी, ठीक है, तो फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है बेटा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको रेडियस बतानी है, तो यू हैव टू फाइंड व्हाट रेडियस। मैंने आपको बताया था कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसके बीच में एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो आप सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, इंटर एंगल पी ओ क्यू, ठीक है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर 576 प्लस रेडियस स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से आप रेडियस स्क्वायर निकाल लोगे, 625 माइनस 576, तो आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, 15 में से 6 गया दैट इज 9 और 11 में से 7 गया 4, तो 49 का स्क्वायर रूट, तो आर आपके पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट में से आप बार प्लस माइनस लोगे तो रेडियस कभी माइनस में तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लो आप, जो भी है ऑप्शन ए आ रहा है तो लिख देंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म इस तरीके से। और ये जो थ्योरम है वो यहाँ स्टेट करके आप दिखा दोगे, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज ऑलवेज 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 की देखो, इन्होंने फिगर हमें दिया हुआ है, इन्होंने फिगर दिया हुआ है तो बना लेते हैं इस तरीके से। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से एक टी लिया, ठीक है, पी टी एक टेंजेंट हुआ पर्टिकुलर पॉइंट, और यहाँ से एक क्यू पर्टिकुलर पॉइंट हुआ, इसको इन्होंने ज्वाइन किया, दिस इज क्यू, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको भी ज्वाइन किया ना, रेडियस को यहाँ से भी ज्वाइन किया, ये एंगल दिया हमें 110, ठीक है। कह रहा है इस फिगर में टी पी एंड टी क्यू, TP and TQ both are what tangents to a circle with center or so that POQ, POQ 110 है, आपको PTQ निकालना है, PTQ, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनो, ये एंगल प्लस ये एंगल सप्लीमेंट्री होगा, ये बेसिकली क्या है, एक थ्योरम है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 10 देखोगे तो ये थ्योरम मैं आपको वहाँ पे प्रूफ भी कराऊंगा, इसमें यही बोला गया है कि प्रूव डेट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, तो ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट, इनके बीच का एंगल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री, तो मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ कि ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, टू द एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड का मतलब होता है बनाना, बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ये लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रही है, ठीक है, इन इसके बीच में और इसके बीच में एंगल सप्लीमेंट्री होगा, तो आप डायरेक्ट लिखो से दिस एंगल इज 1, तो 110 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख के दिखा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 70 डिग्री, ठीक है, इसका प्रूफ भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हुआ, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। कह रहा है टेंजेंट्स पी एंड पी बी, देखो कॉमन पॉइंट दोनों में पी है, तो पी को हमें आउटसाइड रखना पड़ेगा, ठीक है, पी ए और पी बी, दिस पॉइंट इज पी ए एंड पी बी, फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर, हो सेंटर भी गिवन है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी ये कह रहा है आपको टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर, हो ये इंक्लाइंड है 80 डिग्री पर, ठीक है, पी ओ ए पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, पी ओ ए, तो इसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, पी ओ ए, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है वो, ये वाला एंगल, समझ में आया। तो कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे, देखो बहुत ध्यान से देखो, ये 90, ये भी 90, तो मैं अगर दोनों ट्राइंगल को कॉन्गुरेंट दिखा दूं, से दिस एंगल इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो आप लिखो इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल पी ओ बी, पी ओ बी, बेटा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, ठीक होगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी इक्वल हाइपोटेनियस कह सकते हैं, ठीक,
तो 90 डिग्री हो गया, आरएचएस में क्या होता है, आरएचएस 90 डिग्री का ट्रायंगल होना चाहिए, 90 डिग्री हो गया, हाइपोटेनियस इक्वल हो गई, और कोई सी भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, इक्वल रेडियाई, इक्वल रेडियाई होगा या नहीं होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी ओ बी से, कैसे भाई, आरएचएस। तो हम ये कह सकते हैं एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होगा भाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होगा या नहीं होगा। अब एक बात बताओ, जब 3 और 4 इक्वल हो गया, और मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल सप्लीमेंट्री होगा, या मैं ऊपर लिख देता हूं, यानी ए ओ बी प्लस ये पूरा एंगल कितना है 80 डिग्री, कितना हुआ सप्लीमेंट्री, वही अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया था आपको। तो एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा, 80 उधर जाएगा, 100। अब ए ओ बी को आप क्या लिख सकते हो, 3 प्लस 4 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, और 3 और 4 दोनों इक्वल है, तो आपको बताना क्या है इसमें, आपको बताना है पी ओ ए यानी एंगल 3 बताना है आपको, यही तो बताना है आपको, यही तो बताना है आपको। तो 3 4 की जगह 3 डालोगे, यहाँ पे 4 की जगह 3 पुट करोगे, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स 200, तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 50 डिग्री आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो 50 डिग्री इसका आंसर चेक करता हूँ मैं, 10.2 का, 10.2 आंसर चेक करते हैं, खुल जाओ यार फटाफट, 10.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, तो 50 डिग्री आ रहा है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। इस तरह से एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये भी एक छोटा सा एक नंबर का सवाल है। प्लीज राइट डाउन सॉल्यूशन ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फोर में ये कहता है आपसे, कहता है प्रूव डेट, प्रूव करना है टेंजेंट ड्रॉट एंड द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो आपके पास एक सर्कल है, से दिस इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल इफ दिस इज सेंटर। ठीक है, तो लिखो आप ए बी इज ए डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक, सर्कल दिया हुआ है आपको सेंटर ओ विद रेडियस आर। ठीक, तो इसके जो एंड पॉइंट्स है, ये एक एंड पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, यहाँ पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ भी एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ये कह रहा है कि ये जो टेंजेंट्स होगी ये पैरेलल होगी, आपको शो करना है, टू शो सिंपल आप लिखो से दिस इज एक्स वाई, ठीक है, दिस इज एम एन, तो आपको सिंपल लिखना है एक्स वाई पैरेलल दिखाना है एम एन। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, देखो यहां से ये सेंटर, तो ये रेडियस हुआ, तो ये बेटा रेडियस और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, एंगल 1 एंगल 2, तो आप सिंपल लिखो, ठीक है, सॉल्यूशन में आप लिखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल डिग्री, ठीक, ईच 90, ईच 90 डिग्री, और थ्योरम को आप स्टेट कर देना, स्क्रीन पे भी मैं लिख दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए, और हमें पता है व्हेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल लाइंस आर पैरेलल, तो हम दिखा देंगे एक्स वाई पैरेलल एम एन, है ना, हमें पता है ना बेटा, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि इफ लाइंस आर पैरेलल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इंपॉर्टेंट, इसमें कह रहा है हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये एक टेंजेंट है, ठीक, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये सेंटर है, तो आपको पता है कि रेडियस होगा, और ये पर्टिकुलर कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी है इफ दिस इज ए बी विच इज टेंजेंट टू दिस सर्कल। तो ये परपेंडिकुलर जो है ये कहाँ से पास होगा, ये हमेशा सेंटर से पास होगा, तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको करेंगे, क्या लिखना है इसमें देखते हैं, देखो सॉल्यूशन करते हैं, हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, लेट अस एज्यूम डैट ओ पी डज नॉट पासिस, हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड करेंगे कि हम एज्यूम करेंगे और लास्ट में दिखा देंगे हमारा अजम्पशन गलत था, एक वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, यानी जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब एक वायलेट हो जाएगा वो चीज़ हमारे अगेंस्ट में हो जाएगी। ठीक है, कि हम गलत थे, लेट अस एज्यूम डेट ओ पी डज नॉट पासिस थ्रू, डज नॉट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस आर, ऐसे आप लिख सकते हो, सेंटर ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस आर, तो ये कहाँ से पास हो रहा है जी, एक यहाँ से पास होगा, से दिस इज, हमने मान लिया कि दिस इज द सेंटर, ये पता है कि ये सेंटर नहीं है, तो मैथ्स में हम ऐसे करते हैं। ठीक है, देखो अगर ये यहाँ से पास होगा,
तो ये एंगल देखो यहां से, इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये कितना हो जाएगा 90, दैट इज ये रेडियस बन गई ना इसकी, ये रेडियस बन गई। तो ओ डैश पी बी इक्वल्स टू 90, ठीक है, बाय थ्योरम। और बट आप लिख सकते हो एंगल ओ पी बी 90 डिग्री, एक्चुअल में आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, यानी ये वाला, ठीक। देखो ये भी 90, ये भी 90, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव एंगल ओ डैश पी बी इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी, यानी ये वर्टेक्स। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखो ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, ये ओ पी ओ डैश पी, ठीक है, यहां से चलता हुआ ओ पी के ऊपर आ गया, यानी कॉन्साइड हो गया। दैट इज कॉन्साइड का मतलब वर्टेक्स के लिए यूज करते हैं, ओ डैश वर्टेक्स कॉन्साइड विद वर्टेक्स ओ, तो लिखेंगे लास्ट में। सो आवर एजम्पशन या सपोजिशन जो भी हमने माना है, एजम्पशन हमारा एजम्पशन जो था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस इन अवर एजम्पशन, तो लिखेंगे ओपी ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस